दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पहली खबर में देखिए, बिहार में कड़ाके की ठंड के चलते पटना में 14 जनवरी तक स्कूल बंद, 10वीं तक की कक्षाएं नहीं चलेगी। जी हां देखिए, बिहार में कड़ाके की ठंड के कहर को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां बढ़ गई है। राजधानी पटना में 14 जनवरी तक 10वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश जारी हुआ है। वहीं 15 जनवरी को भी रविवार है। ऐसे में 16 तारीख से पहले नर्सरी से 10वीं तक की कक्षा में पढ़ाई नहीं होगी। हालांकि मैट्रिक परीक्षा से संबंधित गतिविधियां जारी रहेगी। पूर्णिया में भी 10 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पटना में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिले के सभी स्कूल को 14 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है। डीएम ने कहा है कि नर्सरी से 10वीं क्लास तक की सभी कक्षाएं बंद रहेगी, लेकिन इस दौरान मैट्रिक परीक्षा से संबंधित गतिविधियां जारी रहेगी। बता दें कि बिहार के स्कूल में अभी मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा चल रही है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में जातीय जनगणना के बाद होगी आर्थिक जनगणना, सीएम नीतीश का समाधान यात्रा के दौरान ऐलान। जी हां देखिए, बिहार में जातीय जनगणना के बाद आर्थिक जनगणना कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान वैशाली में शनिवार को यह घोषणा की है। वही देखिए, सीएम नीतीश ने कहा कि जाति आधारित गणना का काम पूरा होगा तब आर्थिक आधारित गणना भी कराई जाएगी, ताकि जिससे सही सही पता चल सके कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। वही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शनिवार को पहली बार नीतीश के समाधान यात्रा में शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में जातीय आधारित गणना शनिवार से शुरू हुई है। जातीय गणना का पहला चरण 21 जनवरी तक चलेगा। इसमें मकानों की गिनती की जाएगी। इसके बाद अप्रैल महीने में दूसरा चरण शुरू होगा, जिससे मकानों में रहने वाले लोगों की जाति और अन्य जानकारी जुटाई जाएगी। बिहार में जातीय जनगणना का काम मई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वही देखिए, पटना में पहले दिन 40,000 परिवारों की हुई गिनती, अनुपस्थित कर्मियों पर होगी कार्रवाई। जहाँ देखिए, जाति गणना के पहले दिन पटना जिले में 40,000 परिवारों को गिनती हुई है। जिले में बनाए गए 45 चार्ज में गणना कर्मियों ने मकानों पर नंबरिंग की। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जूम के माध्यम से जाति आधारित गणना के पहले दिन की प्रगति की समीक्षा की। डीएम ने कहा कि जाति आधारित गणना का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, निर्वाचन मोड में इसका संचालन किया जाएगा। वहीं देखिए, दूसरे चरण में 1 से 30 अप्रैल के बीच 26 तरह के ब्यौरे भरे जाएंगे। जाति के साथ आर्थिक सर्वे भी होगा, घुमंतु लोगों की गणना होगी। पटना जिले में लगभग 20 लाख परिवारों की गणना होगी। गणना के लिए 12,696 व 2116 पर्यवेक्षक लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के वैसे निवासी जो किसी कारणवश राज्य देश के अस्थायी प्रवास की स्थिति में है, उनकी भी गणना की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, पटना भागलपुर समेत 9 शहरों में भीषण ठंड से कांपे लोग, 4.6 डिग्री के साथ गया सबसे ठंडा। जी हां देखिए, बिहार में भयंकर ठंड से जीना बेहाल हो गया है। पटना भागलपुर समेत 9 शहरों में पिछले 24 घंटों को भीषण कोल्ड डे की स्थिति रही। राज्य में न्यूनतम तापमान में 0.5 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही गया 4.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडी जगह बन गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में शनिवार को भी हल्के कोहरे की सतह बनी रही। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक शनिवार को पटना, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, फारबिसगंज, सबौर और मोतिहारी में भीषण कोल्ड डे की स्थिति रही। वही छपरा में भी कोल्ड डे रहा। गया में सबसे कम 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके बाद नवादा में 5.5 और बांका में 5.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। राजधानी पटना में भी रात का पारा गिरकर 7.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा भागलपुर, पूर्णिया, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, छपरा, सुपौल, फारबिसगंज, सबौर, डेहरी, मोतिहारी, शेखपुरा, पपुरी, औरंगाबाद, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, जीरोदई, पूसा और अगनवापुर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं देखिए, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 घंटे के भीतर राज्य में कोल्ड डे की स्थिति कम होगी।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में मार्च 2024 तक लगेंगे 48 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर, हर महीने 4 लाख मीटर लगाने का है लक्ष्य। जी हां देखिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी और उससे संबंध दोनों बिजली आपूर्ति कंपनियों ने तीन फेज के दौरान सूबे में 1.71 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। इनमें से करीब 12 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब तक इंस्टॉल किए गए हैं। कंपनियों ने मार्च 2024 तक यानी तीन फेज मिलाकर 48 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। इनमें सर्वाधिक 30 लाख प्रीपेड मीटर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और 18 लाख प्रीपेड मीटर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लगाएगी। दोनों बिजली आपूर्ति कंपनियां मिलाकर हर महीने 3 से 4 लाख प्रीपेड मीटर लगाने का काम करेगी। कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपी गई टैरिफ याचिका में इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के किसानों को मिलेगा फसल सहायता अनुदान, 31 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। जहां देखिए, बिहार सरकार बाढ़ सुखाड़ आदि प्राकृतिक कारणों से किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई अगस्त सितंबर तक कर देगी। सहकारिता विभाग ने फसल सहायता योजना के लिए पोर्टल खोल दिया है। किसानों को 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए बनी राज्य स्तरीय समन्वय समिति ने रबी 2022-23 के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आने वाले आच्छादित फसल की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि गेहूं, रबी, मक्का और एक फसल को पंचायत स्तरीय घोषित किया गया है, यानी यह फसलों के मुआवजा के लिए किसी भी जिला के किसान आवेदन कर सकते हैं। वहीं रैयत श्रेणी के किसानों को हाल का बना भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा 31 मार्च 2022 के बने राजस्व रसीद एवं फसल की बुआई का स्व घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि कोई किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता तो वह कॉल सेंटर अथवा टोल फ्री नंबर 1800110110 की मदद ले सकता है। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव की मदद से योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, पटना मेट्रो में 6 अंडरग्राउंड स्टेशन का होगा निर्माण, डीएम ने निर्माण कार्यों की समीक्षा की। जहां देखिए, डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जमीन का अधिग्रहण, जमीन का हस्तांतरण, मुआवजा के भुगतान के मामले की समीक्षा करते हुए कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही मेट्रो निर्माण में अतिक्रमण, ट्रैफिक व्यवस्था और संरचनाओं के बदलाव को देखने के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है। उन्होंने भू अर्जन और भू हस्तांतरण के मामलों का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया है। वायदे के दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा पटना मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन पैकेज के तहत 6 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का निर्माण होना है। आकाशवाणी गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, मोइनुल हक स्टेशन और राजेंद्र नगर स्टेशन के पास बनना है। इसके लिए अधियाची विभाग द्वारा संशोधित नक्शा उपलब्ध कराने, मार्ग में आने वाली संरचना के रिलोकेशन आदि कार्य त्वरित गति से संपन्न करने को कहा गया है। पाड़ीखर में देखिए, बिहार के विभिन्न मार्गों से यूपी, ओडिशा और झारखंड के लिए चलेगी 140 से अधिक नई बसें। जहां देखिए, बिहार के विभिन्न मार्गों से मार्च में 140 से अधिक बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। परिवहन विभाग के मुताबिक इसको लेकर बिहार, ओडिशा, बिहार झारखंड व बिहार यूपी के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता हो गया है। इसके बाद 70 से अधिक अंतर राज्य मार्गों के लोगों को सहूलियत होगी। अधिकारियों ने बताया कि इन मार्गों पर लोगों के लिए बसों का परिचालन कम होता है, इस कारण से इस मार्ग पर लोगों को काफी परेशानी होती है। बड़ी खबर में देखिए, गया सहित बिहार के अन्य रेलवे स्टेशन पर मिलेगी सुविधा, अब टिकट के लिए लाइन लगाने की झंझट दूर। जी हां देखिए, अब रेल यात्रियों को प्लेटफॉर्म टिकट व अनारक्षित रेल टिकट खरीदने के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आसानी से टिकट उपलब्ध कराने के लिए डीडीओ मंडल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया, डेहरी और सोन सासाराम सहित अन्य रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन उपलब्ध हो गई है। ऐसे में रेल यात्री अब बिना लाइन में लगे हुए अपना टिकट मशीन के माध्यम से खरीद सकते हैं। बाड़ी खबर में देखिए, खरमास के बाद राजद से निकाले जाएंगे सुधाकर सिंह, जेडीयू ने बताया। लालू तेजस्वी अपने विधायक पर कब करेंगे कार्रवाई? जी हां देखिए, नीतीश के खिलाफ हल्ला बोल रहे राजद के विधायक सुधाकर सिंह को खरमास के बाद पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये ऐलान लालू यादव या तेजस्वी यादव ने नहीं किया बल्कि जेडीयू ने भविष्यवाणी की है। जेडीयू संसद बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कल मीडिया से कहा कि सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए खरमास तक का इंतजार कीजिए, खरमास खत्म होते ही राजद में शुभ काम होगा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुधाकर सिंह की राजद में मियाद बताई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमने सुधाकर सिंह के बयान को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी, लेकिन राजद के लोग खरमास में शुभ काम नहीं करना चाह रहे हैं। खरमास खत्म होने का इंतजार करिए, उसके बाद सुधाकर सिंह को लेकर शुभ काम हो जाएगा।
नीतीश के नियत में है कोर्ट, विजय सिन्हा बोले शराबबंदी की तरह जातिगत जनगणना भी होगी फिर। जहाँ देखिए बिहार में कल से जातिगत जनगणना शुरू हो गई है। दो चरणों में होने वाले जाति आधारित गणना पर राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। केंद्र सरकार के इनकार के बाद बिहार सरकार अपने खर्च पर यह जातिगत जनगणना करा रही है। वहीं दूसरी तरफ जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के रास्ते पर चलकर बिहार में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से शराबबंदी फेल हुई है उसी तरह से जातिगत जनगणना भी फेल होगी। खबर में देखिए हड़ताल पर गए बिहार के राशन डीलरों पर नीतीश सरकार सख्त, लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश जारी। जहाँ देखिए बिहार में हड़ताल कर रहे पीडीएस यानी राशन डीलरों पर नीतीश सरकार सख्त हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन नहीं बांटने वाले जन वितरण प्रणाली दुकानदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी जिला अधिकारियों को हड़ताल पर कर रहे पीडीएस डीलरों को लाइसेंस निरस्त करने के लिए कहा गया है। ऐसे में राशन दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया है। बता दें कि मार्जिन मनी और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पीडीएस डीलर 1 जनवरी से हड़ताल पर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने गुरुवार को जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि जो पीडीएस दुकानदार राशन का वितरण नहीं कर रहा है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करें, राशन नहीं बांटने वालों के लाइसेंस निरस्त किए जाए। बड़े खबर में देखे राष्ट्रपति और पीएम खाएंगे बिहारी कतरनी चूड़ा, कभी मगध सम्राट खाते थे कतरनी चावल, रामायण में भी इसकी चर्चा। जी देखिये मकर संक्रांति पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में तैयार कतरनी चूड़ा खाएंगे। चूड़ा भागलपुर से भेजी जा रही है। भागलपुर जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित 200 विशिष्ट लोगों के लिए 3 क्विंटल कतरनी चूड़ा भेजने की तैयारी कर ली है। विक्रमशिला एक्सप्रेस से कतरनी चूड़ा की खेप लेकर भागलपुर आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह सहित अन्य कर्मी दिल्ली जाएंगे। खास यह कि जैविक विधि से उपजा कतरनी धान का चूड़ा बनवाया जा रहा है। भागलपुर की मंडी से कतरनी चूड़ा और चावल दिल्ली, बनारस, पटना, लखनऊ सहित दक्षिण भारत के कई शहरों में भी जाता है। अंग क्षेत्र की कतरनी की खुशबू की चर्चा रामायण, बौद्ध ग्रंथ और इतिहास की किताबों में भी है। इतिहासकारों की माने तो कतरनी चावल मगध सम्राट की थाली में भी परोसा जाता था। बड़ी खबर में देखिए 68वीं बीपीएससी में इतने पद बढ़ाए गए, इस तारीख से पहले करें आवेदन। जहाँ देखिये बीपीएससी 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब आपदा प्रबंधन विभाग में सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के 43 पद 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से ही भरे जाएंगे। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि विज्ञापन प्रकाशन के बाद 68वीं संयुक्त परीक्षा के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग से कुल 43 रिक्तियां प्राप्त हुई है। इन रिक्तियों को 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से जोड़ दिया गया है। अब 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 324 हो गई है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी आगे बढ़ा दी है। लेट फीस के साथ परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 10 जनवरी 2023 तक है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।